हे एवरीवन, माय नेम इज़ रुद्रमान त्रिपाठी और ये मेरी पहली वीडियो है, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लाइट पोल्यूशन के बारे में, उसके कॉजेज़ के बारे में, इफेक्ट के बारे में और सोल्यूशन के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो लाइट वैसे पोल्यूशन आप कितने टाइप्स जानते हो? सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन, राइट? लाइट पोल्यूशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। व्हाट इज़ अ लाइट पोल्यूशन? ने कभी सेटेलाइट के थ्रू अर्थ का लिया हुआ पिक्चर देखा है? अगर आपने देखा है, नोटिस जरूर किया होगा, हमारे जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे चमकते हुए तारे टाइप के दिखाई देते हैं हमारे शहर। ये जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो इस टाइम लाइट पोल्यूशन का रूप ले चुका है और इससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म भी पहुँच रहा है और हमें पता तक नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज के बारे में। ब्राइटर बल्ब्स, जितना ज़्यादा बल्ब चमकीला होता है उतना ही ज़्यादा लाइट पोल्यूशन को भी प्रोड्यूस करता है। कॉजेज ऑफ लाइट पोल्यूशन में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और यहाँ पे मैंने दो से तीन टॉपिक को इंक्लूड किया है। फर्स्ट टॉपिक इज़ ब्राइटर बल्ब्स, मतलब कि जितना ज़्यादा बल्ब लाइट देता है उससे उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन यानी लाइट पोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के बाद, बल्ब के इन्वेंशन के बाद लगातार इन्वेंशन पे इन्वेंशन किए लाइट्स का, ब्राइटर लाइट्स का, उससे ज़्यादा ब्राइटर लाइट्स आई। तो मार्केट जैसे बनती गई, होड़ लगती गई, एक दूसरे के साथ कंपटीशन हुआ कि कौन कितने वाट से ज़्यादा, कितना का बल्ब कितना ज़्यादा लाइट देता है, इसका कंपटीशन चला, जिसमें नुकसान किसको हुआ? नुकसान हमें हुआ। हमने एक नई टाइप की एक पॉल्यूशन जनरेट कर दी इस अर्थ पे। वैसे भी 3-4 पड़ी हुई थी, एक और हमने ला दिया। तो लाइट पोल्यूशन में सबसे बड़ा हाथ आपका ब्राइटर बल्ब्स का होता है जो आप अपने घरों में लगाए होते हो, और सेकंड थिंग स्ट्रीट लाइट का होता है जो हमारे घरों के बाहर लगे होते हैं, रास्ते दिखाने को होते हैं, वो हमारे रास्ते लगा रहे हैं। खैर, थर्ड थिंग इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी आबादी दिन दूनी रात चौगुनी जो बोलते हैं, वैसे हमारी आबादी डेवलप हो रही है, जिससे और उसमें बहुत लार्ज ऑफ अमाउंट पर्सन सिटीज़, बड़ी सिटीज़ के साथ, बड़ी सिटीज़ की ओर मूव करते हैं, और वहाँ पे जो उनके कंबाइन यूज़ होता है लाइट का, उससे भी एक काफ़ी बड़ा अमाउंट लाइट का प्रोड्यूस होता है, जिससे कि लाइट पोल्यूशन बढ़ता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बता दूँ कि लाइट पोल्यूशन की समस्या हमारे शहरों में अधिकतर होती है। थर्ड थिंग इज़ इफ़ेक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन का हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो सबसे पहला इफ़ेक्ट, हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो गड़बड़ हो जाता है। आप कभी नोटिस किए होंगे कि जब हम सोए होते हैं और उस टाइम अगर सडनली कोई आके लाइट जला दे तो हमारा मूड चिड़चिड़ा हो जाता है और हम जग जाते हैं नींद से, राइट? तो जगने के बाद से हमें फिर जल्दी नींद नहीं लगती, या इन केस ऑफ आप कहीं, अगर आपका रूम खिड़की के पास में है और खिड़की के बाहर अगर स्ट्रीट लाइट जलती है तो उससे आप ठीक से सो नहीं पाते, ठीक? जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और लाइट का जो इफ़ेक्ट होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर ही पड़ता है, जिससे लाइट होने पर आपको नींद अच्छे से नहीं आ पाती, और वही जब लाइट ऑफ हो जाता है तो नींद अच्छे से आती है। एज अ एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोने जाते हो और अपने फ़ोन का यूज़ करते हो तो फ़ोन से निकलने वाली लाइट आपके आँखों पर असर डालती है, जिससे आप सो नहीं पाते। आप जाते हो बिस्तर पे, आप सोचते हो कि 5-10 मिनट फ़ोन का यूज़ कर लेंगे उसके बाद सो जाएंगे, पर होता क्या है, इसके उल्टा। आप कब अपने फ़ोन में स्क्रॉल करते हुए 1 से 1.5 घंटा निकाल दिया, आपको खुद पता नहीं चलता। सेकेंड थिंग इज़ इकोलॉजिकल लाइट पोल्यूशन। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे पंछी और जानवर होते हैं जैसे कि उल्लू और लोमड़ी, भालू, जो लाइट के कारण कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लाइट पोल्यूशन से उनके सोने और खाने का पैटर्न बिगड़ जाता है, जिसका इफ़ेक्ट उनके पॉपुलेशन पे पड़ता है। तो फीडिंग ठीक से कर पाते हैं और ना ही सो पाते हैं ठीक से, जिससे उनको उनकी रिप्रोडक्शन सिस्टम पे असर पड़ता है और उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। इवन उल्लू को आप देख सकते हैं, हमारे साथ नेचर ने एक अच्छी बॉन्डिंग बनाई है। हम इस समय 24 आवर कल्चर में रह रहे हैं, जिसमें हमें हमेशा मोटिवेट किया जाता है कि आप
कर सकते हैं। 24 घंटा काम करने के लिए मोटिवेट कर किया जाता है आपको, हमेशा फ्रेश रहने के रखने के लिए मोटिवेट किया जाता है आपको, हमेशा हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। पर इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है जब आप 24 आवर्स काम करते हैं, या यहाँ पे इवन आप 12 घंटे काम करते हैं, और काम करके जब आप आते हो तो आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, और उस टाइम अगर आपको नींद ना मिले अच्छे से तो उसका असर डायरेक्टली आपके माइंड पे होता है, उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके मूड पे पड़ता है और आपके शरीर पे पड़ता है, जिससे आप स्ट्रेसफुल रहते हो, आपको थकावट फील होती है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पोल्यूशन ऑफ लाइट पोल्यूशन, हम अपने घरों में और स्ट्रीट लाइट के बल्ब को चेंज करके इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम उसे के कम वाट के ही बल्ब लगाएं कि जो थोड़े कम ब्राइटर हों, उससे भी हमारा काम चल सकता है। स्ट्रीट लाइट का जो डायरेक्शन होता है, जो थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, उसको थोड़ा सा नीचे डाउन करके भी इसको कर सकते हैं हम, इसको कुछ हद तक डाउन कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर, लाइट का यूज़ उतना ही करें जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा यूज़ ना करें। एक्चुअल में जगह आप घर से रूम से बाहर निकलते हो तो लाइट ऑफ़ कर दें, अगर स्ट्रीट लाइट में लाइटनिंग की आवश्यकता नहीं है, लाइटनिंग का यूज़ नहीं है तो आप उसे ऑफ़ कर दें। ये सारी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप लाइट पोल्यूशन को रोक सकते हो। खैर, हो सकता है कि इस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया हो, इससे रिलेटेड मैं एक PDF लिंक में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी पढ़ सकते हो, मैंने पूरा एक आर्टिकल लिखा है, आप जाके वहां से भी पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।